I'm Kali Dishu. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही चुका होगा कि आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो। जी हाँ, आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसमें लाइक शेयर एंड कमेंट करो। यार कमेंट करना तो आप लोग भूल ही जाते हो, मतलब वीडियो वॉच करते हो बट कमेंट करना भूल जाते हो। तो गाइज, आज ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो एवरीडे मेकअप करना चाहते हों, बहुत कम प्रोडक्ट में एवरीडे मेकअप करना उनको बहुत अच्छा। और ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए जो कॉलेज गर्ल है, उनके पास बहुत मिनिमम जो है प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके वो लोग जो है इसको देखकर मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आई नो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, वीडियो पूरी देखते हो बट मुझे सब्सक्राइब करना क्यों भूलते हो भाई? तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेकअप करने से पहले फेस को अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेस वॉश करके अच्छे से क्लीन कर लिया है। एंड गाइस, मैं यहाँ पर गुड वाइब्स की ही आर्गन फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी क्रीम है। और एज अ हम इसको मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद ना फेस बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाता है। तो ये मैं इसे जो है पर डे यूज़ करती हूँ एज अ फेस क्रीम और एज अ मॉइस्चराइज़र। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगी। एंड गाइज, इसका भी मैं आपको एक रिव्यू वीडियो शेयर करूँगी। तो गाइज, इसको अच्छे से हमें एब्जॉर्व करना है। एंड देन गाइज, मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि है SKU का, और ये मिनी सा कंसीलर है गाइज। तो कंसीलर यूज़ करने से पहले मैंने कोई भी प्राइमर या फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, बस मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया है। और जो भी मेरा डार्क एरिया है वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जो भी मेरा हाईलाइट एरिया है मैं इसको वहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए तभी हमारा मेकअप बहुत नेचुरल लगता है। तो इस तरीके से मैं अपनी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, तो गाइस आप भी ये ध्यान देना। और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम जो कि है लैक्मे की, और ये अकॉर्डिंग टू कंसीलर ये थोड़ा डार्क है, और यहाँ पर मैं भूत की तरह लग रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। ठीक है गाइस, और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताया है, ब्लेंडिंग अच्छी होती तो मेकअप नेचुरल लगता है, और जो भी हम मेकअप करेंगे वो उभर कर आता है। तो यहाँ पे नेक एरिया, ईयर, अपने सारे आईज़ अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। तो गाइस, विंटर टाइम है तो लिप्स जो है ड्राई हो गए, तो लिपस्टिक लगाने से पहले मैं मॉइस्चराइज कर लेती हूँ अपने लिप्स को। एंड ये जो लिप बाम है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जितने भी प्रोडक्ट हैं इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, और मस्कारा मैं कोई आईलैशेस यूज़ नहीं कर रही हूँ, और ये मस्कारा बहुत ही अच्छा मस्कारा है, और ये मेरी सिस्टर का मस्कारा है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। उसका मस्कारा मुझे उसने गिफ्ट किया था, तो आप देख सकते हैं आईज़ में डिफरेंट, और यहाँ पर आईलैशेस की ज़रूरत नहीं है। सो सॉरी गाइज़, मैं यहाँ पर भूल गई थी कि मुझे अपनी आईज़ को थोड़ा अट्रैक्ट एक्टिव करना है, मतलब नेचुरल करना है बट कोई हैवी नहीं करना। तो यहाँ पर मैं जो है होंडा ब्यूटी की पैलेट से ही एक न्यूट कलर ले रही हूँ, और अपनी आईज़ को बहुत ध्यान से अपनी आईज़ को जो है आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत नेचुरल लग रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, बहुत नेचुरल है, थोड़ा पिंकी सा और थोड़ा क्या बोलते हैं न्यूट सा है ये। तो ये हो गया डन। और यहाँ पर मैं मी या उनका जो है ब्लू लाइनर यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही पतला, मतलब पतली सी लाइन मैं यहाँ पे वेयर कर रही हूँ क्योंकि ये कॉलेज मेकअप लुक है। एंड गाइस, ये क्यूट से लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही प्यारा कलर है इस लिपस्टिक का, और इसी लिपस्टिक की हेल्प से मैं अपना ब्लश यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी, बोलते हैं ना वायरल ट्रिक है कि हैक है कि ऐसा करने से ना फेस अलग ही लगता है, कि जो लिपस्टिक हो वही हमारा ब्लश हो, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइस, सबसे टफ काम अभी जो आने वाला है वो है हेयर, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं, फिर भी मैंने ऐसे बना दिया। और यहाँ पर मैं ईयरिंग वेयर करने वाली हूँ नॉर्मली, जो कॉलेज टाइम गर्ल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल ईयरिंग ले लिए हैं, इसको मैंने वेयर करा है। एंड वॉच, गर्ल्स मेकअप लुक है तो वॉच तो होनी चाहिए, एंड इट इज़ माई फाइनल लुक। तो आप मुझे बताइए कैसा आपको मेरा ये लुक लगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट में जाके पूछ सकते हो। एंड गाइस, जिसने मुझे अभी तक फॉलो इंस्टाग्राम में नहीं किया तो पहले जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ख्याल रखना, बाय, सी यू एंड सी।